हेलो स्टूडेंट, कैसे हो गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चल रहा है उसमें वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 मैंने करा चुका हूं। नाउ 6 क्वेश्चन देखेंगे, स्टार मार्क लगा हुआ है। तो जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घुमा दीजिए पूरे महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मिस्टर कासम। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, थोड़ा एनिमेशन से समझेंगे क्योंकि आपको समझ भी आना चाहिए ना क्या बन रहा है, क्या बना रहा है मिस्टर कासम, क्या कर रहा है। तो हम थोड़ा इसको एनिमेशन देखेंगे, तो एनिमेशन से भी समझेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको जो है वो बताता हूँ। मिस्टर कासम रन अ स्मॉल बिजनेस, मिस्टर कासम रन अ स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस चलाता है बेचारा, ऑफ मेकिंग इथर्न पॉट, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, अर्थन पॉट्स जो मैंने अर्थ यानी मिट्टी, मर्थन पॉट्स बनाता है। ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, रोजाना बनाता है वो, डेली बनाता है कुछ जो है बर्तन, वो बना के डेली रखता है। सपोज 5 बनाया 6 बनाया 10 बनाया डेली। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, जो बर्तन वो बना रहा है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कितना पैसा उसको लगा बनाने में, एक बर्तन सिंगल, इज 40 मोर देन द 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। सपोज इसको मैं समझा देता हूँ आपको, उसके बाद अपन इक्वेशन बनाएंगे। ही मेक्स वन डे, एक दिन में उसको बताया उसने कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 ज्यादा होगी किससे, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, जो डेली जितने पॉट्स बनाया उससे जो नंबर ऑफ पॉट्स है उससे 10 टाइम्स और उससे भी 40 मोर। ही मेक्स वन डे, एक दिन में जो बनाता है। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज रुपीज 600, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। सपोज एक दिन में जो वो पॉड बनाता है वो कितने बनाता है, डोंट नो, नहीं मालूम एक दिन में कितने पॉड बनाता है मिस्टर कासम, नहीं बनाता है। सपोज मिस्टर कासम, देखिए ये बेचारा मिस्टर कासम, मैं इसको निकाल देता हूँ, ये हमारा मिस्टर कासम है हमारा, ये पॉड बना रहा है बेचारा, दिख रहा है ये अर्थन पॉट, इसी को कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। मिस्टर कासम कितने पॉट बना रहे हैं नहीं पता। सपोज अब इन्होंने आज के दिन में इतने पॉट्स बना लिए, कितने हैं, 5, 5, 10, 14 पॉट्स इन्होंने आज बनाए। सपोज जो यहाँ पर हमारे पास मिस्टर कासम रन अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स, ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक वन डे टोटल नंबर ऑफ पॉट्स वन डे में कितना बनाते हैं, नहीं आइडिया भाई, तो उसको लेंगे, लेट मिस्टर कासम, मिस्टर कासम मेक्स एक्स पॉट इन वन डे। बात समझ में आई, एक दिन में वो एक्स पॉट्स बनाते हैं, ये हम सपोज कर ले रहे ना भाई, क्या जाता है सपोज करने में, राइट। चलो अब क्या करेंगे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे अपन, प्रोडक्शन कॉस्ट किसकी, ईच पॉट, हर पॉट की, तो कैसे आएगी, 40 मोर देन 10 टाइम्स किसका, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं भाई, एक्स है, एक दिन में एक्स पॉट्स बना रहे हो, प्लस इससे 40 मोर, एकदम इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने कैसे निकाला, 10 टाइम द नंबर ऑफ पॉट्स प्लस 40 मोर, हो गया सिंपल, तो ये हो जाएगा 10x + 40, राइट। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉट्स थे वो एक्स थे और ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, ये क्या हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको याद रखना,
यानी बनाने की लागत, बनाने का पैसा जो लगा, पॉट को पैसा, एक पॉट बनाने का पैसा इतना लगा, नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं, तो टोटल वन डे में जो उन्होंने बनाया वो 600 रुपए के पॉट्स बनाए, उनकी कॉस्ट कितनी थी 600 रुपीज। अब सपोज मैंने आज बनाया दो पॉट, कितने पॉट बनाया, दो पॉट, और एक पॉट मुझे पड़ा है, एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपीज है, तो टोटल कितने रुपये हो गए 80। क्या किया आपने, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या था, नंबर ऑफ पॉट्स था, क्या था, नंबर ऑफ पॉट्स, ये क्या था, प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये क्या था, टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट। बात समझ में आई, अगर मैं एक दिन में दो पॉट बनाता हूं, एक पॉट की प्राइस जो है प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपीज है, तो मतलब 80 रुपीज के पॉट बने, बात समझ में आई। ऐसे मिस्टर कासम ने वन डे में 600 के पॉट बनाए, तो वो कैसे है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पॉट्स आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पॉट्स इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट, नंबर ऑफ पॉट्स है एक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट है 10x प्लस 40 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है 600। ये हमको यहाँ पर इक्वेशन में गिवन है, सिंपल समझ में आ गया, एकदम सिंपल मेथड मैंने लाया यहाँ पर आपको बताने के लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आएगा 10x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 40x इज इक्वल टू 600, ये तो हो गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको लिखेंगे 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। माइनस 600 के फैक्टर निकालने से पहले इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको हटा देना है, तो 10 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ऑल टर्म जो है वो 10 से डिवाइड होती है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो 10 × 4 = 44x मिलेगा, इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो 60 मिलेगा, ईजी हो गया। अब माइनस 60 के आप क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, माइनस 60 के फैक्टर जिसको मिडल टर्म 4 है ना, तो यहाँ पर क्या है 10 × 4 = 10, 6 = 40, राइट, 10 × 6 = 40। नाउ यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, बार बार मैंने बताया है, अगर पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखे तो वीडियोस देखिए, आप बहुत जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख जाओगे। तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस 10 एंड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, सो सेपरेट कर देंगे एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, सो यू विल गॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 और एक्स इज इक्वल टू 6, देयरफॉर ये नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसको लिखेंगे नॉट एक्सेप्टेबल, एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉट्स पर डे इन वन डे इज इक्वल टू 6। और यही हमको फाइंड आउट करने का आता के ही मेक्स पर डे, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो हमको नंबर ऑफ पॉट्स मिल गया, अब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे हम, तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या था, 10x प्लस 4, राइट, एक्स आ गया हमारे पास, 6 रख देंगे प्लस 4, दैट मीन 60 प्लस 4, सो प्रोडक्शन कॉस्ट इज 64 रुपीज, एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट 64 रुपीज है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इक्वेशन बनाने में समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ पॉट्स प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, राइट। चलिए अब इस साहब को देखते, प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू सेम स्पॉट, द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर,
पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। वाटर करंट जो है मतलब पानी अगर ठहरा हुआ है, पानी में स्पीड नहीं है, पानी बह नहीं रहा है, पानी एक जगह स्टिल है, करंट वाटर स्टिल वाटर एज इट इज ओके, उसमें कोई भी हलचल नहीं है, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे पानी का स्पीड फाइंड आउट करने का राइट। तो उसको एक्स सपोज करेंगे, जो फाइंड आउट करने का उसको एक्स लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको थोड़ा एनिमेशन से बता दूं, मैं इसको एनिमेशन से बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पर जो है, आप एनिमेशन से इसको देख लीजिए, बेस्ट हो जाएगा। ओके स्लाइड शो कर दूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर में इसकी जो डाउनस्ट्रीम है मतलब जिधर बह रहा है पानी, जिस तरफ जा रहा है आप देखेंगे पानी इस तरफ जा रहा है, है ना। तो पानी इस तरफ जा रहा है तो ये जो हो गई उसकी डाउनस्ट्रीम हो गई, और पानी इधर जा रहा है, आप इधर से आएंगे तो ये अपस्ट्रीम होती है। अपस्ट्रीम मतलब उसके जो अपोजिट है, और डाउनस्ट्रीम मतलब जिधर पानी बहता है उधर। ओके चलो क्लियर, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे ये बेचारा, तो प्रतीक जो जाएगा वो ऐसे जाएगा फिर, पर टन 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 गया प्रतीक गया। अब ये जा गया तो यहां पर जो इसकी स्पीड थी वो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे, इतना समझ गया आपको। अब प्रतीक क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम गया, क्या हो गया डाउनस्ट्रीम गया। अब रिटर्न आया वहां से, तो आप देखो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, ताकत लगा रहा है, जोर लगा के हाईशा, जोर लगा के हाईशा, क्यों, क्योंकि पानी भी उधर बह रहा है ना, ये पानी के अपोजिट साइड से आ रहा है। बात समझ में आई, यहाँ पर स्पीड कम हो जाएंगी तो कितनी स्पीड कम होंगी, जितनी वाटर की स्पीड है, अगर पहले जो है प्रतीक गया था 60 किलोमीटर पर आवर से, तो आएगा जो वाटर की स्पीड है 2 किलोमीटर वाटर की स्पीड है, तो आएगा 58 से, 60 से गया था आएगा 58 से, स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ में आई मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो डाउन स्ट्रीम इधर था, अप स्ट्रीम इधर था, इस तरफ है ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, बात समझ में आ गई। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट, उधर जा रही है तो बह रहा पानी, इस तरफ से पानी आ रहा, बोट इस तरफ जा रही है, ये गलत गड़बड़ हो गई ऐसे, ठीक है। तो इसको आप समझ लिए, तो जब भी अगर प्रतीक डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, सपोज अगर प्रतीक डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, इधर इधर गया प्रतीक, तो उसको पानी और पीछे आगे ढकेलेगा, पानी की स्पीड उसमें ऐड होगी कि नहीं होगी, होगी, पहला पॉइंट। अब प्रतीक वापस आएगा तो धीरे से आ रहा है, क्यों, क्योंकि पानी उसको पीछे ढकेलेगा, पहले पानी उसके साथ जा रहा था, उसकी बोट के साथ जा रहा था, अब पानी अलग जा रहा है, वो अपोजिट साइड से आ रहा है, वो अपोजिट साइड से आ रहा है, पानी अपोजिट जा रहा है, इसलिए स्पीड कम होगी, यहाँ पर स्पीड माइनस होगी, कौन सी, जो पानी बह रहा वो स्पीड। चलो क्लियर हो गया होगा, तो क्लियर हो गया तो मैं जरा दूसरी तरफ जाता हूँ फिर हमारे इसकी तरफ। चलिए ये आपको समझ गया होगा, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। ओके तो मैं इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ, आपको एनिमेशन समझ गया होगा क्या है। तो ये हमारी बोट है, प्रतीक जा रहा है इधर, सपोज इधर गया, तो ये कौन सी स्ट्रीम थी, डाउन स्ट्रीम थी। अब प्रतीक यहाँ से वापस आया तो ये कौन सी स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, यहाँ स्पीड क्या होगी, यहाँ स्पीड लेस होगी, और यहाँ स्पीड क्या होगी, यहाँ स्पीड इंक्रीज होगी। जो मैंने आपको एनिमेशन से बताया वही याद रखना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर ले रहा हूँ, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट वाटर, लेट यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, लेट स्पीड ऑफ करंट वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हमने सपोज कर लिया, स्पीड ऑफ करंट वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब हमको क्या करना है, स्पीड है, डिस्टेंस भी है, देखो डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, तो डिस्टेंस लिख लेता हूं, डिस्टेंस 36 किलोमीटर, उसके बाद
and return to the same spot. Speed of boat still water is 12 km. Speed of boat इन स्टिल वाटर, वाटर रुका हुआ है उसी वक्त, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड ऑफ बोट है जब वाटर रुका हुआ है। तो इतनी चीजें हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट, कैसे आपको इक्वेशन बनाना है, क्या करना है वो देखो। जब भी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ये आया है तो आपको एक ही फार्मूला यूज करने का है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है, प्रत्येक टेक 8 hours टू ट्रैवल 36 टू डाइव डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी जाकर वापस आने के लिए 36, इसको 8 hours लगे। कहां से जाकर वापस आने के लिए, वो गया वापस आया तो 8 घंटा उसको यहां पर दरकार हुआ, मतलब उसको लगा, राइट। अब 8 घंटा जाकर आने के लिए, तो जाने के लिए कितना, नो आइडिया भाई, नो आइडिया। आने के लिए कितना टाइम लगा, नहीं मालूम, ठीक है। तो जाने का टाइम, तो अब यहाँ पर टाइम निकालने के लिए आपको ये फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड को इधर लेकर आ जाओ। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला चेंज कर दिया। चलिए अब टाइम तो नहीं मालूम है हमको, जाने वाला कौन सा टाइम हम निकाल रहे, डाउन स्ट्रीम। देखो कौन सा टाइम निकाल रहे, डाउन स्ट्रीम, जिधर दरिया बह रहा था, जिधर समंदर बह रहा था, उधर का टाइम जो निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितना था, 36 किलोमीटर। अब मुझे बताओ स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, 12 किलोमीटर है इसकी बोट की, लेकिन पानी भी तो साथ में जा रहा था, आगे ढकेल रहा था उसको। तो पानी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी, पानी की स्पीड है, बोट की स्पीड है 12, उसमें मिल जाएंगी पानी की स्पीड, वाटर स्पीड, दैट मीन्स एक्स। देखो हमने लिया है स्पीड ऑफ करंट वाटर भी एक्स किलोमीटर पर, समझ में आ गया, बहते हुए पानी की स्पीड इसमें ऐड हो गई, क्लियर हो गया होगा। तो ये कौन सा टाइम है, ये डाउन स्ट्रीम का है। तो टाइम सिमिलरली हम टाइम निकालेंगे, कौन सा टाइम, अप स्ट्रीम का, वापस भी तो आया ना वो, अप स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो उतना ही कवर किया ना, जितना गया उतना वापस आया, उससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं किया, लेकिन टाइम उसको क्या लगेगा। तो वहां पर ऐसा जा रहा था तो दरिया उसको, जो पानी उसको पीछे ढकेल रहा था, स्पीड कम हो रही थी, तो कितनी कम होंगी, 12 - x, यहाँ पर स्पीड कम होंगी। ये दो चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, क्योंकि ये समझ गया तो कोई भी जो बोट वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो 12 + x, 12 - x, ये स्पीड रहेगी जाते और आते टाइम पर। चलो अब ये दोनों टाइम, जाने का और आने का, दोनों मिलाकर उसको कितना आवर्स लगा, 8 hours, प्रति टेक्स 8 hours टू ट्रैवल, तो 8 hours। तो ये जो 8 hours कौन सा टाइम, पहला नंबर का टाइम है 36 + यहाँ लिखता हूं मैं 36 upon 12 + x + 36 upon 12 - x, ये दोनों टाइम लगा उसको 8 hours, सिंपल। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 36 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, 36 कॉमन निकला तो ऊपर बचा 1, यहाँ बचेगा 12 + x upon 1, 12 - x = 8 hours, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, 36 को ऐसे ही रख रहा हूँ, बाद में देखेंगे, ये 12, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 12 - x = 12 - x + as it is 12 + x = 12 + x upon, आप क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, नीचे की भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 12 + x - x = 8 as it is। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं,
पहले 36 को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, बाद में इसको लिखवा लूंगा मैं आइन टाइम पर, माइनस एक्स प्लस एक्स आपका कट जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, 12 12 24 अपॉन, अब ये जो है ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये जो है 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स, ये आपको फार्मूला दिख रहा हूँ कौन सा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसका सोल्यूशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सिमिलरली यही फॉर्मूले से इसको खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट व्हाट क्या मैं आपको सिखा रहा हूँ। 36 इंटू 24 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप नहीं भी किए तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, राइट। ये जो है इसको इधर ले जाएंगे और 8 को इधर लेकर आएंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ 8 को इधर ला रहा हूँ, तो डिवाइड करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर लिख रहा, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 24 अपॉन 8 और इसको इधर ले आता हूँ तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई पे गया, ये ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, 8 3 24 कट गया, तो हमारे पास बचा 36 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो ना यार, काय को ये 3 6 12 कैरी 1 3 3 9 और 1 10 इज इक्वल टू 144। तो 3 6 12 बोल दिया मैंने, देखो ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, देखो 3 6 12 बोल दिया मैंने, है ऐसा होता है एग्जाम में, जब आप एग्जाम में सब सॉल्व करते हैं ना हम लोग, तो कहाँ गलती करते ये पता नहीं चलता, ऐसा जब हमारे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। 3 6 18 कैरी 1 3 3 9 और 1 10 108 144 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बहुत से पहले आएगा, 144 उधर रहने दीजिए और 108 को उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कर देंगे 144 में तो आपको मिलेगा 14 में से 86 36 मिलेगा, देखो 36 मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 6, इजी आ गया हमारे पास। क्या फाइंड आउट करने बोला था, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट वाटर, द स्पीड ऑफ करंट वाटर इज एक्स किलोमीटर पर आवर, आप आंसर लिख सकते हो, सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, सिंपल है, एनिमेशन भी बताया आपको तो आपको समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 8 समथिंग स्टार मार्क्स चल रहा है, सब स्टार मार्क्स। पिंटू टेक 6 डे मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। चलिए अब पिंटू ने क्या किया, वो 6 दिन लेता है पिंटू, ऐसा लग रहा मुझे आयान जुबेर का नाम आ गया, पिंटू टेक्स 6 डे मोर देन दोज निशु जन्नत कंप्लीट अ सर्टेन वर्क, है ना, हाँ ये दोनों चिक्के से ही है सब। चलिए घड़े, पिंटू टेक्स 6 डेज मोर देन दोज निशु टू कंप्लीट सर्टेन पीस ऑफ वर्क, या समझ लो एक काम को, निशा जो है, निशु पकड़ लो उसको, निशु जो है वो कंप्लीट करती है एक्स डे में, वो डे ही नहीं पता है कितने डे में कंप्लीट करती है, तो हम उसको एक्स डे लेते हैं ना, एक्स डे में कंप्लीट करती है वो, अब एक्स डे में कंप्लीट करती है तो उससे 6 दिन ज्यादा कौन लेता है, पिंटू लेता है। तो चलो लेट निशु कंप्लीट, पेन निशु कंप्लीट वर्क इन एक्स डे, राइट। तो फिर क्या आएगा, पिंटू आ गया, पिंटू कंप्लीट वर्क इन एक्स प्लस 6 डेज, क्योंकि 6 दिन ज्यादा लेता है, राइट। ओके चलो अब देखो, वर्क वाला क्वेश्चन जब भी आया, अब यहां पर आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेट लगाना पड़ेगा, वर्क वाला क्वेश्चन जब भी आया एक चीज याद रखने का, एक दिन में कितना वर्क करते हैं,
वन डे वर्क निकालने का हर चीज में, वन डे। अभी निशु कितना एक्स डे लगाती है काम कंप्लीट करने, वो 10 दिन भी हो सकता है, वो 50 दिन भी हो सकता है, वो 100 दिन भी हो सकता है, वो कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन एक्स डे लगाती है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो जब भी वन डे आपको निकालना है ना, वन डे वर्क ऑफ निशु, वन डे वर्क ऑफ निशु इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डे टू कंप्लीट हिज वर्क और हर वर्क, उसको डिवाइड कर देंगे, वन डे का वर्क निकल जाएगा। ऐसे ही निकालने का, वन अपॉन एक्स। तो वन डे वर्क ऑफ किसका? पिंटू का। बोलिए आप बोल सकते हैं पिंटू का फिर वन डे वर्क कितना होगा? जब निशु का वन अपॉन एक्स है, क्योंकि निशु एक्स दिन में कंप्लीट कर रही है वर्क, तो वन डे वर्क कैसे निकालेंगे? वन, नंबर ऑफ डेज हमारे पास वन, वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रही है उसको डिवाइड कर देने का। तो वर्क एक्स डे में कंप्लीट कर रही है तो एक्स से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स, क्योंकि ये एक्स प्लस सिक्स डे में कंप्लीट कर रहा है, तो वन डे वर्क इजिली आपको निकाल सकते हैं। अब दोनों मिलकर अगर वो वर्क को 4 डे में कंप्लीट करते हैं, दोनों मिलकर उस वर्क को अगर 4 डे में फिनिश कर देते हैं, 4 डे में, तो 1 डे में दोनों मिलकर कितने वर्क को फिनिश करेंगे? 1 डे में। तो जैसे हमने इसको निकाले, तो दोनों मिलकर कितने डे में कंप्लीट कर रहे थे वर्क? 4 डे में। तो 1 डे में दोनों मिलकर कितना कंप्लीट करेंगे? तो 1 डे टुगेदर दे कंप्लीट इन 1 डे। बोलो, निशु एक्स दिन में काम कंप्लीट कर रही थी, तो 1 डे में 1/x करेगी। पिंटू एक्स प्लस सिक्स डे में पूरा काम कंप्लीट कर रहा था, तो 1 डे में 1/x+6 कर रहा है। दोनों मिलकर 4 डे में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 1 डे में कितना करेंगे? सिंपला 1/4, सिंपला। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर आप ये सब चीज निकालने के बाद, ये वन डे वर्क, ये वन डे वर्क, ये दोनों मिलाकर वो इतने दिन में कंप्लीट करते हैं, इक्वेशन बनाने का है। तो वन डे वर्क ऑफ निशु इज इक्वल टू 1/x, वन डे वर्क ऑफ पिंटू इज इक्वल टू 1/x+6, टुगेदर दोनों मिलाकर समेशन दोनों का प्लस जो हो जाएगा 1/4 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन बनी हमारी, और इसको अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा x+6 × x+6 × x डिनोमिनेटर की भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, x x+6 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × 6 फिक्स x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x+6 से करेंगे, एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप x² + 6x से करेंगे। 4 × 2 = 8x, बहुत बार समझाया है। 4 × 6 = 24 इज इक्वल टू 1x² + 6x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करने का है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो बॉस जिसके पास पावर है पहले रहेगा, उसके बाद चेला 6x, इसको उठाकर उधर ले आने का, −8x − 24 = 0। और अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, x² − 2x कैसे आया? 8x − 6x 2x, लेकिन 8 बड़ा इसलिए माइनस लगाया मैंने, −24 के आपको फैक्टर निकालने का है, 6 × 24, इसके साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ प्लस लगाएंगे। इतनी बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दिया तो आप एकदम स्पीड में करना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। तो x = 6 और x = −4, −4 कांट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर x = 6। निशु टेक 6 days टू कंप्लीट पीस ऑफ वर्क, सर्टेन वर्क, एंड पिंटू फिर कितना लेगा? पिंटू टेक
इससे 6 डे मोर प्लस 6 प्लस 6 दैट मींस 12 डेज। तो स्टूडेंट इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली, उसको कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। स्टार मार्क है तो क्या हुआ, आपको जैसा समझाया गया आप कोई भी वर्क वाला क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वन डे वर्क निकालो, दोनों टुगेदर मिला दो, दोनों का टुगेदर दिया हुआ रहता है उसका भी वन डे निकाल लो, वन डे वर्क निकालेंगे तो ही आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा राइट। चलो फास्टिंग चालू है ना, रोजे अभी किए ना भाई पिंटू, यार क्या बात कर रहा है। यस, इफ 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 एक नंबर है, इसको मुझे डिवाइड करना है। सपोज 460 को मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय अननेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से, तो क्या होता है, क्वेश्चन इज 6 मोर 5 टाइम द डिविजर, डिविजर कौन है, नेचुरल नंबर है, डिविजर कौन है, नेचुरल नंबर, यही डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइजर, डिवाइजर जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इससे 6 मोर दैट मीन 6 प्लस 6 मोर 6 ज्यादा है 5 टाइम द डिवाइजर, डिवाइजर ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है एंड रिमाइंडर इज 1, तो यहां पर जो रिमाइंडर है यहां पर कुछ भी होगा पता नहीं, बस रिमाइंडर 1 बचा है, ये है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं हम, क्वोशंट, इसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर, राइट। ठीक है, डिवाइजर नहीं मालूम है, इफ 460 ऑफ डिविडेंड मालूम है, क्वोशंट मालूम है, रिमाइंडर मालूम है, एक ही चीज नहीं मालूम है, कौन सी, डिवाइजर, लेट द डिवाइजर बी एक्स। डिवाइजर बी एक्स, राइट। चलो अब इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, पढ़े होंगे आपने छोटी क्लास में, इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने छोटी क्लास में पढ़े है, मैं लिख देता हूं पूरा रिमाइंडर, ठीक है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, बस उसी को यूज करना। डिविडेंड कितना था, 460 था, इसको ही डिवाइड किए, किसने डिवाइड किया, एक्स ने डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आया, 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, तो 6 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर मतलब 5x, इससे 6 मोर, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आया कुछ, क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर प्लस 6 मोर, ये क्वेश्चन हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना है, 1 है, तो ये रिमाइंडर 1 हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 460 एज इट इज रखिए, इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिया मैंने x को, मैं 6 को 6 को भी मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को 6x हो जाएगा प्लस 1, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460, इधर लिख रहा गया इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 इधर था, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, आप इक्वल टू 0 किधर भी लिखो, इधर लिखो या इधर लिखो, लेकिन बाद में आपको इधर लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या हो जाएगा 459, बाप रे बाप, इक्वल टू 0। भाई अब ये किससे डिवाइड होता है, ये किससे डिवाइड होता है, 459 किससे डिवाइड होता है, ये आपको सोचना जरूरी है, ठीक है, तो इसके फैक्टर, इसके फैक्टर जो है वो आपको आना चाहिए, फैक्टर कैसे निकालेंगे आप, माइनस 459 के आपको फैक्टर निकालना है, इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, चलिए मैं इसको बता दूं, मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, तो अच्छा निकाल दूं,
-459। अब इसको क्या करना है देखो, अच्छे से देख लो, 459 इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। 3 1 3 3 1 3 और यहाँ क्या हो गया, 3 5 15 और 3 3 9। 3 5 15 3 1 3 और ओके 51 51। चलिए 51 51 ये लिख लिया। लेकिन फैक्टर हमको इसको निकालना है क्या, ये मेथड बता रहा हूं। अब ये 5 भी तो है, क्या होगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, राइट, ये 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स्ट्रा 5 जो हमारे पास आया, ये तो फैक्टर निकल गया हमारे, ये एक्स्ट्रा 5 आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख रहे 5 3 15 15 3 45 एंड ये 51, 45 एंड 51 इसके आपको फैक्टर निकल जाएंगे। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 459 तो ये जो आंसर मिलेगा हमको, इसका फैक्टर जो निकलेंगे वो निकलेंगे 3 3 9 5 45 एंड 51 9 5 45 एंड 51। इस तरह आप इसके फैक्टर निकालेंगे। तो आप जब भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अगर कोई कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई नंबर हो तो आप इसको इससे क्या करेंगे, बेसिक में मैंने पढ़ाया है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसके फैक्टर निकालेंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो फैक्टर आएंगे हमारे पास वही फैक्टर आएंगे 45 एंड 51। ठीक है, तो 5 तो मैंने 5 को एज इट इज रखा था, 49 को मैंने ब्रेक किया, 459 को मैंने ब्रेक किया और वो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें से, तो 5 9 45 हो गया और ये 51, तो 45 - 51 ये हमारे फैक्टर निकल गए, राइट। अब क्या करेंगे, हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो ये मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, उसकी प्लेस पे दोनों लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो बिगर के साथ प्लस लगाएंगे, स्मॉलर के साथ माइनस लगाएंगे, बार बार मैंने बताया है। तो 5x² - 45x + 51x - 459 = 0। तो हमने क्या किए, मिडल टर्म को स्प्लिट किए और उसकी प्लेस पे 45 51 लिखे, राइट। चलिए ऊपर बढ़ाता हूँ इसको, थोड़ा सा कारोबार ऊपर करेंगे हम, ओके। अब यहाँ से ये पेयर बनेंगी एक, और इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो 5 कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आता है और x भी कॉमन निकलेगा, यहाँ x बचेगा। 5 9 45 इसलिए 9 अंदर रहेगा, 5 9 45 इसलिए 9 अंदर रहेगा। दूसरा ब्रैकेट भी आप ऐसे ही लिख दीजिए = 0 एंड यहाँ पर निकलेगा, अगर यहाँ पर 51 बार हो गया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो +51 क्योंकि x अंदर बचा है। अब दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखिए आप, और सेकंड ब्रैकेट 5x + 51 = 0। चलिए इसको अलग अलग कर दीजिए, x - 9 = 0 और 5x + 51 = 0। therefore x = 9 एंड x = ये 51 उधर जाएगा तो -51 और ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कांट भी एक्सेप्टेबल, -51/5 कांट भी एक्सेप्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है नेचुरल नंबर हमको यहाँ पर निकालना है, तो वो नंबर हमको क्या मिलेगा जी, फाइंड अ क्वेश्चन एंड डिवीजर हमको फाइंड आउट करना था, डिवाइजर। तो हमको मिला अबे, हमको ये जो मेरा ना यार डिवाइजर है जी, डिवाइजर इज इक्वल टू 9 एंड क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 × x + 10 more 6 more 10 more 6 more 6 more yes 6 more 5 × 9 + 6 45 + 6 = 51। क्वेश्चन आ गया, डिवाइजर आ गया, जो फाइंड आउट करने बोला वो आ गया दोनों, तो डिवाइजर 9 क्वेश्चन 51 ओके। चलो ओके बॉस, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन,
माझे मुतात ऍक्टिव्हिटी असतील, ऍक्टिव्हिटी आहे का, ऍक्टिव्हिटी आहे का, आपण बुक मध्ये बघू ना ऍक्टिव्हिटी आहे का, काय काय ऍक्टिव्हिटी आहे रे भाऊ, ऍक्टिव्हिटी आहे भाऊ, ऍक्टिव्हिटी आहे भाऊ. चला मी ऍक्टिव्हिटी घेऊन येतो, जरा थांबा, जरा मी ऍक्टिव्हिटी घेऊन येतो, इथूनच घेऊन येतो आणि आपल्याकडे समोरच ठेवतो मी ऍक्टिव्हिटी. जेवढा मी समोर ठेवणार तेव्हा तेवढं तुम्हाला कळेल ना, आता करणार कसं तुम्हाला. चला रे भो, चला ऍक्टिव्हिटी इकडे. ई ससुरा आ गई हमरी ऍक्टिव्हिटी, देखो ई ससुरा ऍक्टिव्हिटी हमरी, ही हमरी ऍक्टिव्हिटी जो है ना, ई ससुरा छुपाई रही खूब. चलिए वो लेकर आ गए हम एक्टिविटी के, तो ई एक्टिविटी हमके कंप्लीट कराए के. ओके, इन दैट एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एरिया इज 33 सेंटीमीटर. एरिया 33 सेंटीमीटर दिया है. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन फ्लो द लेंथ ऑफ ऑल साइड ए बी सी डी, फिल द एम्प्टी बॉक्सेस, गेट इन सोल्यूशन. अब देखो ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी और सी डी, तो इनका सम इनटू हाइट. हाइट क्या है, ए एम, या लिखेंगे सिंपल ए एम. आ गया फार्मूला है भाई, फार्मूला है ट्रेपेजियम का, फार्मूला है, फार्मूला है भाई, फार्मूला है ट्रेपेजियम का, फार्मूला है. क्या फार्मूला है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फार्मूला है. तो पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट ए एम हमारे पास फिगर में थी, उसको मैंने लिख दिया. इसका एरिया 33 रखा हुआ है, 1/2 रखा है. देखो पैरेलल साइड एक्स और 2x+1, यहाँ पर ए एम क्या है भाई, देखो देखो ऊपर देखो, x-4 ए एम x-4, सो हियर x-4, सिंपली राइट x-4. अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये 3x+1 है, इस पूरा ब्रैकेट है, ये 2 इधर गया तो 33 66, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 66 x-4. अब इसको हमको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करना है 3x2, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई 3x2, फिर x1 जा x, राइट. अब इसको मैं इधर सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, 3x+1 और x-4, चलो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x2, फिर ये x1 जा x, ओके, फिर x हो गया 4 3 4 जा 12x, -12x, ओके ओके -12x, और 4 1 जा 4, और ये 66. देखो सिंपल आ गया, बहुत सिंपल रहता है, आप बहुत होशियार है, आप लोग इजीली कर सकते हो. ये उसको इधर लेकर आ जाओ, ये हमारे पास मिल जाएगा, इक्वेशन बनेगी 3x2 + 12x - ये प्लस माइनस माइनस 12x में से 1x गया, दैट मींस 11x, ओके, एंड 3x - 4 - 66 = 0, 3x2 - 11x - 70 = 0, ये आ गया. तो यहाँ पर जो हमारे बॉक्सेस में आएगा वो आएगा माइनस, यहाँ पर देखिए -12x तो -11x, ये क्यों भाई ऐसा, 3 4 जो 12, सॉरी बराबर है 12x- में, x1 जो x- में है, ये फिर क्यों ऐसा कर दिया है, प्लस क्यों आ गया ऐसा भाई, यहाँ पर माइनस आना चाहिए 11x और ये 70, समथिंग वेंट रॉन्ग, नो व्हाट, डोंट नो क्या रॉन्ग हो रहा है. ओके चलो, 11x - 70. अब यहाँ से आपको कॉमन निकालना है, फैक्टर निकालना है, कॉमन निकालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 20 21, 210 के फैक्टर, 2 2 1 0 के फैक्टर निकालना है, दैट मीन्स 21 10 जा 250. यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, तो हमारे पास देखिए डायरेक्ट ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो इसके फैक्टर निकल गए और एक्टिविटी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी. अगर आप देखेंगे तो 3x, अब यहाँ से कॉमन निकलेगा तो क्या कॉमन निकलेगा, ये आगे आप इजीली
कर सकते हो। तो 3 7 21 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको कॉमन निकालने के लिए, ये हो जाएगा 3x² - 21x + 10x - 70 = 0। देखो कैसा करना पड़ रहा है, 3x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचेगा x - 7। ओके, यहाँ पर बचेगा x - 7, डेट मीन +10 यहाँ से बाहर निकला, ये भरना है हमको यहाँ पर ऊपर। तो ये ब्रैकेट में आएगा x - 7, यहाँ भी आएगा x - 7, यहाँ आएगा x - 7, यहाँ भी आएगा x - 7। ये -7 7 हो जाएगा यहाँ पर, देखो अब आप इजीली कर सकते हो। तो ये आंसर आ जाएगा ABBC और ABBC CD AD, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया होगा तो बाकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।